Hello, welcome to my next class on verbs and the correct uses of verbs. Good morning. With this, I am going to start the errors related to the use of verb. In my previous classes also, I have been dwelling upon the idea of writing correct words with different parts of speech like adverbs, verbs and whatever it is. Today, I am coming to you with the use of verbs. Where are the errors commonly found in the use of verbs? आपको पता है verb क्या होता है? Action word. कौन सा action किस साथ लगेगा? किस noun के साथ लगेगा? ये बहुत important है if you want to correct your English. And this will also build up a future foundation for your speaking classes. Unless and until you are well conversant with the idea of using the correct verb with correct noun and pronoun or subject, you cannot speak properly, nor your English can be very much impressive. So, in order to smarten up your English, you must learn how to use the correct words with the correct verbs, with correct parts of speech, and that becomes quite impressive. So, in this series, I am coming with 12 words. And remaining other will be done in the next class. He joined the law. Dekho, structurally, you get to know that there is hardly any mistake in the sentence. Aap dekh rahe hain, he joined the law. Ye bhi theek hai, ye bhi theek hai, ye bhi theek hai. Galti kahan pe? Use of verb mein. Verb bhi theek hai, join. Lekin kya, kehne ka sense kya hai hamara? Pehle to aapne kya samajhna hai? Sense. Agar sense samjha, to aap kabhi tense nahi honge. इसलिए इंग्लिश में मैं बार बार फोकस करता हूं सेंस समझे. ज्वाइन द लॉ का मतलब है वकालत करना, लेकिन उसके साथ ज्वाइन शब्द गलत होता है. तो इसको सही करने के लिए हम क्या रखेंगे, हमेशा लॉ हो गया या डॉक्टरी हो गई, इसको प्रैक्टिस किया जाता है. तो ही प्रैक्टिसेस या प्रैक्टिस्ड लॉ, या he joined the bar. हम अगर ऐसे भी लिखे तो join इसके साथ हम bar लिख सकते हैं, B-A-R. तो phrasal है, उसको बाद में बताएंगे. तो he practiced law is the correct sentence for in place of he joined the law. Right? Now we come over to another sentence, that is he does doctory. बिल्कुल सेम उसी तरह की गलती है. डॉक्टर डॉक्टरी करना, ये तो हम हिंदी में बोलते हैं डॉक्टरी कर रहा है, वेरी गुड. लेकिन अंग्रेजी में सेंस क्या है, मतलब मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा है. तो ही प्रैक्टिसेस मेडिसिन, यहां पे आएगा ही प्रैक्टिसेस मेडिसिन, राइट. या ही इज अ डॉक्टर, लेकिन ही इज अ डॉक्टर बोलू मैं तो यहां पे थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से और हो जाएगा, लेकिन वो भी ठीक है. नाउ वी कम ओवर टू अनदर सेंटेंस, ही प्लक्ड इन द एग्जामिनेशन. जनरली आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं अरे वो तो प्लक हो गया, फेल हो गया, मतलब ठीक है. क्या आना चाहिए, ही प्लक्ड इन द एग्जामिनेशन आएगा या ही कुछ और आएगा इसके साथ, ये आपको समझना है. तो चलिए, प्लक का मतलब भी फेल होना ही होता है, लेकिन आपको एक चीज बताएं, ये जो प्लक शब्द है ये क्या है, ही प्लक्ड, उसने प्लक किया, नहीं, ये पैसिव में यूज होगा. ये किसमें यूज होगा, पैसिव में यूज होगा, इसलिए हम कह सकते हैं ही वॉज प्लक्ड इन, ही वॉज प्लक्ड इन द एग्जामिनेशन. पिछली क्लास में भी मैंने कुछ शब्द बताए थे आपको जो पैसिव में यूज होते हैं, और जिसको याद नहीं है वो पीछे की क्लास में भी देख सकता है, ताकि आपके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए, कि कुछ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है. देखिए, तो ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, इसकी जगह पे आप फेल शब्द भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ ही वन द ओपोनेंट. ओपोनेंट क्या होता है, विरोधी. उसने विरोधी को जीत लिया. देखो हिंदी के हिसाब से हो सकता है हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं, लेकिन एक बात भी दिमाग में रख लो, ट्रांसलेशन मेथड is not the very good method of learning English.
because by resorting to translation method, you often engage yourself in translating the literal meaning of the word, and sense is sidetracked and the English is spoiled. So it's better get to know about the senses and learn English. So he won the opponent. देखो opponent को win तो अच्छी चीज को किया जाता है. Win तो मैच को किया जाता है. ओपोनेंट को हमेशा हराया जाता है. तो यहाँ पे वन शब्द की जगह हम लिखेंगे ही बीट द ओपोनेंट. ही बीट द ओपोनेंट, ये ध्यान रखना. अब आप बोलेंगे, कई बच्चे बोल सकते हैं कि ही बीट्स क्यों नहीं आया इस पे, ही के साथ थर्ड फॉर्म भी ऐसा होना चाहिए. लेकिन आपको पता है बीट पास्ट फॉर्म में यूज हुआ है, क्योंकि पास्ट फॉर्म है ना वन, इसलिए ही बीट. बीट की तीनों फॉर्म कैसी होते हैं, बीट बीट और थर्ड फॉर्म बीटन, ये होती है. तो बीट पास्ट फॉर्म है, राइट. तो इसके बाद है ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड. देखो क्या मतलब है इसका, वो ग्राउंड पे लिटाया गया उसको कि लेटा गया. देखो दो शब्द है, एक तो लेटना और एक लिटाना, बस इतना समझ लीजिए आप. लेटना और लिटाने में फर्क समझ गए तो ये गलती आप खुद ही समझ जाएंगे. तो चलिए हम बताएं आपको, एक होता है लेटना, इसके लिए बोलेंगे लाए. लाए का मतलब लेटना, और लिटाना ले, ये फर्क है. और लाए का पास्ट टेंस होता है ले, और ले का पास्ट टेंस होता है लेड. तो यहां पे किसका पास्ट टेंस किया हमने, ले का पास्ट टेंस, उसको लिटाया गया ऑन द ग्राउंड. लेकिन सेंस ये ठीक नहीं है, लिटाया गया कोई वैसी चीज तो है नहीं, कोई लाइफलेस चीज. कोई मर जाए तो उसको हम कह सकते हैं ही वॉज लेट टू रेस्ट, जो भी है. तो यहां पे ही ले डाउन नहीं आएगा, बल्कि ही ले डाउन आएगा. ले डाउन ऑन द ग्राउंड माने लेट गया वो. तो देखो अंग्रेजी में सेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है. अगर आपने सेंस नहीं समझा तो आपकी इंग्लिश कभी भी इंप्रेसिव नहीं होगी. देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्कुल ये भी ठीक है, लेकिन सेंस के हिसाब से एब्सोल्युटली रॉन्ग. सेंस उल्टा हो जाएगा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं उसका कुछ का कुछ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है ना. अगर हम इसको सही मान ले तो ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड, तो यहां पे तो ये मतलब हो गया कि वो रुखसत हो गया, और फिर उसके बाद जो है तभी ले डाउन किया उसको ग्राउंड. लेकिन ऐसा नहीं है, सेंस गलत है, हमने सही कर दिया उसको. ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड लाइक अ पास्ट ले. नाउ ही हैज गिवन द एग्जामिनेशन. ये गलती भी लोग अक्सर करते हैं, स्पेशली those who are preparing for the competitions might face such problems, so they must especially focus on such types of sentences, especially who are preparing for SSC, CGL, DLPOH and other important competitive examinations. So here it is given, examination dena, humne hindi mein bol diya main pariksha de raha hu, aur hindi mein aapne translate kar diya give mane dena, so I am giving the examination, that's entirely wrong. तो आप क्या करेंगे इसमें, एग्जाम को कभी भी गिव नहीं किया जाता है, एग्जाम को हमेशा टेक किया जाता है. माइंड इट, एग्जामिनेशन इज नेवर गिवन, एग्जामिनेशन इज ऑलरेडी टेकन. एग्जामिनेशन इज गिवन ऑन अ पार्ट ऑफ टीचर, टीचर की तरफ से एग्जामिनेशन दिया जाता है. एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से एग्जामिनेशन इज गिवन. सीबीएसई गिव्स अस एग्जामिनेशन, टीचर गिव्स द टेस्ट एंड स्टूडेंट्स टेक देम, अंडरस्टैंड. तो गिव का मतलब एग्जामिनेशन. देखो एग्जामिनेशन हमने कहा एक होता है गिव और एक होता है टेक. देखो टीचर की तरफ से तो गिव लिखेंगे, स्टूडेंट्स की तरफ से टेक लिखेंगे. तो यहां पे क्या है, ही हैज टेकन द एग्जामिनेशन, ही हैज टेकन द एग्जामिनेशन, राइट. अब आगे अनदर सेंटेंस है, ही मेड अ गोल. फुटबॉल में गोल, गोल को मेक शब्द गोल के साथ नहीं आता, गोल को हमेशा स्कोर किया जाता है, रन हमेशा स्कोर किए जाते हैं, मेक नहीं किए जाते. इतने इसने रन बनाया, इसने गोल बनाया, क्या है ये तो गलत हो जाएगा. हम हिंदी के हिसाब से ट्रांसलेशन कर रहे हैं, हम इंग्लिश के हिसाब से चलेंगे, प्रॉपर सेंस समझेंगे. तो यहाँ पे मेड की जगह क्या आना चाहिए, वी स्कोर्ड ए गोल, राइट.
ही डिड अ थेफ्ट एंड वाज अरेस्टेड. देखो यहाँ पे भी वर्ब की गलती, डिड उसने चोरी की, डू मैंने करना, डिड उसका पास्ट टेंस हो गया. स्ट्रक्चर के हिसाब से आपने सेंटेंस सही बना दिया और आपने सोच लिया कि मैंने तो बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख ली. लेकिन याद रखो क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए डू नहीं आता, क्रिमिनल एक्टिविटी के साथ कमिट आता है, कमिट है क्राइम. तो थेफ्ट करना भी तो एक ऑफेंस है, क्राइम है, चाहे ऑफेंस है चाहे क्राइम है, उसको जो है बताने के लिए हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे, कमिट. तो यहाँ पे सही क्या है, डिड को गलत कर दो, ही कमिटेड ए थेफ्ट, ए टीटीडी कमिटेड ए थेफ्ट. आई थिंक गॉट इट. ही रेड द पोएम बाय हार्ट. देखो जहां तक पढ़ने की बात है वो तो रीड ठीक है, तो ही रेड द पोएम बाय हार्ट. लेकिन जब बाय हार्ट हम पढ़ रहे हैं तो बाय हार्ट पढ़ा नहीं जाता, याद रखना इसको लर्न किया जाता है. तो यहाँ पे रीड की जगह क्या करना चाहिए हमें, आई लर्न द पोएम बाय हार्ट. तो बिल्कुल करेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस, द मैनेजर डिड अ मीटिंग. उसने एक मीटिंग की. देखो फिर हमने हिंदी की ट्रांसलेशन कर दी है, डिड डू डिड. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मीटिंग को डू नहीं किया जाता, मीटिंग के साथ हम क्या कहते हैं, कंडक्ट या होल्ड, दो शब्द है. ही कंडक्टेड अ मीटिंग, ही हेल्ड अ मीटिंग. तो यहाँ पे आएगा मीटिंग को होल्ड किया जाता है. ये आपने थोड़ा सा हैबिट डालनी है इंग्लिश में, जब हम इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स चलाएंगे तो उसमें बहुत हेल्पफुल होंगी चीजें. ही हेल्ड अ मीटिंग, द मैनेजर हेल्ड अ मीटिंग. हम लिख सकते हैं मैनेजर हेल्ड ए मीटिंग. ओके, द टीचर गेव ए स्पीच. देखो स्पीच को गिव नहीं, उसने भाषण दिया, फिर हमने ट्रांसलेशन कर दी, देना को गिव बोलते हैं, इसने बहुत सुंदर अंग्रेजी बना दी. द टीचर गेव ए स्पीच, आई एम सॉरी, हियर यू मस्ट से द टीचर मेड ए स्पीच. द टीचर मेड स्पीच. देखो स्पीच तभी देंगे जब आप कोई चीज बनाएंगे, दिमाग से सोचेंगे. तो गिव तो ये थोड़ी है कोई मूंगफली जेब पे रखी और आपने दे दी, दैट्स नॉट लाइक दैट. ओके, सो हियर यू विल से द टीचर मेड ए स्पीच, आई मेड ए लेक्चर. लेकिन यहाँ पे मेड लेक्चर के साथ सही नहीं है, लेक्चर हमेशा दिया जाता है, यहाँ पे गिव शब्द बिल्कुल सही है. तो लेक्चर इज गिवन, तो आई गेव ए लेक्चर, ये बिल्कुल ठीक है, gave a lecture. और एक बात और है, इसमें एक कॉमन शब्द है डिलीवर, डिलीवर शब्द लेक्चर के साथ भी आ जाता है और स्पीच के साथ भी आता है, तो ये कॉमन है. देखो एक तो होता है स्पीच और एक होता है लेक्चर, तो इन दोनों में जो है डिलीवर शब्द आ सकता है, TELIVER डिलीवर. लेकिन स्पीच के साथ क्या आएगा, मेक, वैसे अलग अलग करोगे तो द स्पीच इज मेड, लेक्चर इज गिवन. तो ये फर्क है, ऐसे वर्ब का इस्तेमाल हमें करना है. इसका मतलब ये, इस क्लास का मकसद क्या है, टू प्रिपेयर ऑल दोज स्टूडेंट्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हु फाइंड देमसेल्व्स अनेबल टू यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेक इंग्लिश वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट and impressive. So I'm going to finish these 10 sentences, 12 sentences here. Some more sentences will be given to you in my next class. Until then, goodbye, with one request to subscribe to my channel and also like and share. Goodbye.